फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि चावल आटा वगैरह से हमें मिलते हैं। इसकी अगर हमारे जिस्म में कमी हो तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम जान सकेंगे और साथ में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के असरात जो होते हैं उनकी सूरत में होने वाली बीमारियों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने नहीं पाती, क्योंकि हमारी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा जो है रोटी चावल है। तो बाद दफ़ा ये भी होता है कि कुछ घरों में ये चीज़ें भी मैसर नहीं होती हैं, बट मोस्टली लोगों के ये है कि रोटी चावल तो खा ही रहते हैं लोग। लेकिन अगर बाद दफ़ा अगर इसकी कमी हो, इसकी कमी तो नहीं हो पाती, लेकिन जब जारी बात है जिनको कम खाने में मिल रही है तो जारी बात उनके जिस्म में इसकी कमी यकीनन होगी, क्योंकि हमारी बुनियादी खुराक अनाजों पर ही है जो कार्बोहाइड्रेट्स के बुनियादी ज़राए हैं। इसके अलावा क्योंकि दाल चावल आटे में तो होते हैं, इसके अलावा ये सब्जियों, फलों, गन्ने, गुड़, चीनी और मीठी चीज़ों की सूरत में भी हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, और इस कदर कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं कि इनकी कमी की बजाय समटाइम ये होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्योंकि खा ये और ये होते हैं तो इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती का ख़तरा भी हो जाता है। लेकिन अगर गजाई तोहमात से लाइलमी या गलत इलम की वजह से भी खुराक में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो है वो कम या बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो इसके नतीजे में भी सारी बात है। कुछ लोग डाइट, ये वो सिचुएशन है जब डाइट के चक्कर में लोग रोटी चावल छोड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त में क्या होता है लोगों के जिस्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस्म को क्योंकि कुव्वत और हरारत मुहैया करने में ये रोगनियात और लहमियात वाली गजाएँ अपने मखसूस काम छोड़कर कार्बोहाइड्रेट्स का फिर काम करने लगती हैं। जारी बात है जब कार्बोहाइड्रेट्स चावल रोटी नहीं ले रहे हैं तो फिर ये होता है कि जिस्म के अंदर उलट प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम करने लग जाती हैं गजाएँ, जिससे कई निज़ामों में हमारे अंदर सिस्टम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चिकनाई, प्रोटीन वगैरह पर इन्हिसार करने से इनमें ज़रूरियात से ज़्यादा इजाफा भी कुछ लोग ज़रूरी समझना शुरू हो जाते हैं, जो कि ना सिर्फ तवानाई के इंतहाई महंगे ज़रिए होते हैं बल्कि कई किस्म की बीमारियों की वजह भी बनते हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो हाई ब्लड प्रेशर है। अगर इसकी कमी होती है तो दिल के अमराज हैं, मोटापा हो जाता है, वज़न भी बढ़ जाता है, फालज के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों में, कई किस्म के कैंसर हो सकते हैं, गेंटिया हो सकता है। इसके अलावा जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो सकती है और इसके अलावा दिमाग को नुकसान भी पहुंच सकता है। असली हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, उसको भी ये ख़राब करते हैं, और इसके अलावा जिगर में जहरीले मादे जो वो हमारा जिस्म से खारिज कर रहा होता है जिगर, उसकी उसमें क्योंकि इसके इस काम में कमी आ जाती है जो कि इंसान के लिए नुकसान दे सकती है, और रोगनी गजाओं को हल करने में क्योंकि बेकायदगी हो जाती है, सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, इस गड़बड़ से जिस्म में सोडियम की शदीद कमी भी पैदा होने लग जाती है। तो कई हयाती नमकियात जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होने के बाइस मुफ्त या कम दामों पर हासिल हो जाते हैं, इनके लिए फिर दूसरी महंगी और अलग गजाओं पर इन्हसार करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अगर आपको ये मिल रही होंगे तो सारी बात फिर आपको दूसरी गजाओं की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि सारी बात है शदीद बीमार होने की सूरत में बीमारियों की वजह से मेडिसिन की तरफ भी जाना पड़ सकता है आपको। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि अपने आप का मुवाजना, कंपैरिजन आप कभी दूसरे लोगों के साथ ना करें, बल्कि अपने गुजरे हुए कल का आपने मुवाजना करना है, ना कि दूसरे इंसानों के साथ में। आपका जो कल गुजर गया ना, वक्त गुजर गया, उसका मुवाजना ज़रूर करें कि आपने अपने आज के साथ करें, हमेशा कि आपने क्या खोया और क्या पाया ये ज़रूर देखें।
ना कि किसी दूसरे इंसान ने क्या हासिल कर लिया अभी तक, वो आप देखें। अपने आप का मुआवजा अपनी जात से करें, ना कि दूसरों की जात से, कि आपने अभी तक लाइफ में क्या खो लिया, क्या पा लिया, या नेक्स्ट आपको क्या गोल्स या मकासद अपनी लाइफ में रखने चाहिए कि आप उसको हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, खुद को कामयाब बनाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।